लेकिन इन सबके बीच दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है दिल्ली वालों को, और दिवाली के बाद एक बार फिर से स्थिति खराब होती नजर आ रही है। दिल्ली से हमारे संवाददाता आदित्य कुमार की रिपोर्ट देखिए। दिवाली के बाद लगातार ये सवाल उठता है कि दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के इंडिया गेट के पास। मैं मेरे आगे अभी देखेंगे इंडिया गेट है जो आम दिनों में बहुत ही साफ सुथरी दिखाई देती है, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि पूरा धुंधला दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हमारे साथ में जो बाहर से आए हैं किसी अन्य राज्य से घूमने के लिए, इनसे बात करेंगे। क्या बदलाव लग रहा है, आप जिस राज्य से आए हैं और यहाँ पर क्या बदलाव लग रहा है? बदलाव तो बहुत सारा दिख रहा है यहाँ पे। हम जहाँ से आए, हम गुजरात से आए, लेकिन जैसे दिल्ली में एंटर किया हमने तो पूरा धुंधला सा दिख रहा है। अभी हमको लगा था कि सुबह का टाइम है तो ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी तक 10 बजे तक आए हैं, अभी तक ऐसा ही पॉल्यूशन दिख रहा है, कोई फर्क नहीं है। इसे अब फिर पता चला कि ये तो यहाँ का पॉल्यूशन ही ऐसा है। सांस लेने में दिक्कत, आँखों को जलन में दिक्कत हो रही है थोड़ी थोड़ी, और आँखों में भी जलन हो रही है थोड़ी थोड़ी। गला भी बैठ गया है ना? गला भी बैठ गया है। यहाँ पे हवा प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। आपकी इधर पे कैसी स्थिति है वहाँ पे? वहाँ तो वह नॉर्मल ही है। हाँ। ये धुआं धुआं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप हमारे यहाँ पे देखोगे तो 5 किलोमीटर देखोगे पूरा क्लीन आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से ये 200 मीटर का ये बिल्डिंग नहीं दिख रहा है। देखो कितना धुआं दिख रहा है, इस तरफ हर तरफ ऐसा ही दिख रहा है। आप कब आए थे घूमने यहाँ से? हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं, सुबह सुबह आए हैं। अब आज ही आए हैं? आज ही आए हैं। आज ही आए और पॉल्यूशन आपको मनचित्ता कर रहा है? आज ही आए हैं। आपसे बात करें थोड़ा सा, आप आ गया जी, क्या नाम हुआ आपका? विशाल भाई। कहाँ से रहने वाले हैं आप? गुजरात। गुजरात से ही? हाँ। तो गुजरात से वहाँ जब यहाँ आए हैं तो हाँ। क्या लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तबीयत खराब जैसा लग रहा है? तबीयत खराब जैसा लग रहा है। ये आँखों भी जलन होता है, वो दिखाई नहीं दे रहा है पूरा। तो आँखों में जलन के लिए कुछ दवाई लिया कुछ ऐसा? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं लिया? आज सुबह ही आए हम। यहाँ पे पेड़ पौधे इतने, फिर भी आपको क्यों लग रहा है कैसा? कुछ मन में आ रहा है कि पेड़ पौधे के बावजूद भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ व्हीकल का पॉल्यूशन ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि देखो हर तरफ गाड़ियाँ चली जा रही है, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है, मेरा अनुमान ऐसा है। तो ये ग्रुप हैं, ये ग्रुप आए हैं गुजरात से, और इनका साफ कहना है कि गुजरात में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन दिल्ली में घूमने आए हैं और पहले दिन घूमने के लिए निकले हैं और आँखों में जलन और गले में खराश जैसी दिक्कत जो है इनको हो रही है। कैमरामैन अविनाश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। दिवाली की अगली सुबह है और इस दिन में भी दिल्ली के जो लोग हैं वो दमघोटू सांस लेने के लिए मजबूर हैं। मैं मौजूद हूँ अभी अक्षरधाम के पास में, और मेरे पीछे आप देखेंगे कि पूरी दिल्ली में जिस तरीके से तमाम वादे किए गए थे पटाखे न फोड़ने के, और तमाम जो नियमावली बनाए गए थे कि पटाखे नहीं बिकेंगे, उसके बावजूद दिल्ली में दिवाली के दिन पटाखे फोड़े गए, उसका परिणाम आपको दिल्ली में आपको दूर तक धुंध के रूप में दिखाई दे रहा होगा। और ये स्थिति कमोबेश हर साल दिल्ली में देखी जाती है दिवाली के बाद में। और अभी अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें तो दिल्ली में जिस तरीके से पटाखे फोड़े गए हैं, तो उसके बाद अलीपुर की बात करें तो 350 है, आनंद विहार की बात करें तो 395 है, अशोक विहार की बात करें तो 384 है, इस तरीके से बुरारी क्रॉसिंग की बात करें तो 388, 394, वैसे चांदनी चौक की बात करें तो 336, DTU की बात करें तो 291, यानी कि पूरे दिल्ली NCR में 300 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो कि बहुत ही खराब श्रेणी में माना जाता है, जो लोगों को बहुत ही बीमार करता है। सवाल उठता है कि हर साल जब वादे किए जाते हैं कि दिल्ली को ठीक किया जाएगा, दिल्ली के प्रदूषण को ठीक किया जाएगा ताकि आम लोग स्वस्थ हवा ले सके, साफ सांस ले सके, लेकिन वादे कहाँ फेल हो जाते हैं, ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। कई वादे किए गए कि टीमें गठित की गई हैं जो पटाखों को बैन करेगा, पटाखों को जब्त करेगा, लेकिन फिर भी पटाखे फोड़े गए, यानी कि कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन विफल रहा है, और इसकी जिम्मेदारी ये तय करनी होगी कि आखिर ये गलती किसकी है। कैमरामैन अविनाश के साथ मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। दीपावली के बाद ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार जबरदस्त इजाफा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच चुका है, जो कि बेहद गंभीर श्रेणी में आ रहा है, और दीपावली पे पटाखे छोड़ने की वजह से ये सब वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के परिचौक पर खड़ा हुआ हूँ, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो धुंध की चादर है वो आप देख सकते हैं कि कितना जो आसमान में धुंध है काला, वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। धुंध की चादर जो है वो बेहद गंभीर श्रेणी में है, और आसमान में आप देख सकते हैं किस तरह से जो दीपावली के बाद है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हुआ है, अनहेल्दी हुआ है, और इसकी वजह से लोगों में कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ग्रेटर नोएडा में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद
अगर पटाखे और इस पर आतिशबाजियों पर बैन किया जाता तो शायद ये स्थिति देखने को नहीं मिलती, लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अभी आने वाले दिन में और एयर क्वालिटी इंडेक्स में जबरदस्त इजाफा होगा। और एक तस्वीर मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा, ग्रेटर नोएडा में कुछ साइट्स ऐसी हैं जहां पर ग्रीन नेट लगाकर पालन किया जा रहा है ग्रेप 2 के नियमों का, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट्स भी देखने को मिली जहां पर नियमों के उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्रेप 1 और ग्रेप 2 लागू हो चुका है लेकिन फिर भी प्रदूषण विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, और लगातार बढ़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स से कहीं ऐसा नहीं हो कि ग्रेप 3 भी लगाना पड़े और ग्रेटर नोएडा की लगातार आबो हवा खराब होती जा रही है। और चूंकि आज एक और दिवाली मनाई जाने वाली है, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स का जबरदस्त इजाफा होगा। ग्रेटर नोएडा से इंजीनियर न्यूज के लिए अकरम खान। तो दिल्ली में समझिए कि बैन के बावजूद आतिशबाजी हुई और कल की रात के बाद से हवा और जहरीली हो गई, 15 गुना जहरीली हुई ये बताया जा रहा है। 24 घंटे का औसत प्रदूषण 359 AQI दर्ज किया गया और रात में विवेक विहार में तो 30 गुना प्रदूषण बढ़ा है और 15 गुना ज़्यादा खराब हुई हवा। अशोक विहार में AQI 384, ITI शाहदरा में 352 AQI दर्ज किया गया, सोनिया विहार में AQI 467, कई इलाकों में 450 के भी आंकड़े को क्रॉस कर गया। और इस अब दिवाली के अगले दिन एंटी स्मॉग गन से लैस जो गाड़ियां हैं उसे हरी झंडी दिखाई गई है पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से, और ये वो गाड़ियां करीब करीब संख्या में 200 की संख्या में पूरे दिल्ली भर में घूमेंगी, सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। मेरे सहयोगी संभव शर्मा की रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ संभव शर्मा। दिवाली बीत चुकी है और दिल्ली में स्मॉग की, पॉल्यूशन की एक चादर छाई हुई है, धुंध की एक चादर छाई हुई है। और ऐसे में दिल्ली में जो 13 हॉटस्पॉट्स हैं, जो हॉटस्पॉट सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किए गए जहां प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, उन हॉटस्पॉट्स पर लगातार एंटी एयर पॉल्यूशन स्मॉग गन्स का इस्तेमाल करने की दिल्ली सरकार की तैयारी। मैं इस वक्त दिल्ली सचिवालय दिल्ली सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश से कहूंगा कि कैमरे को पैन करके एक लंबी कतार जो इस एंटी स्मॉग गन्स की यहां पर लगी हुई है उसको दिखाएं। ये लगभग 80 और 80 से ज़्यादा एंटी स्मॉग गन्स हैं। ये ITO से शुरू होकर ये कतार यहाँ दिल्ली सचिवालय से घूमती हुई और ये आगे अंडरब्रिज तक गई हुई है। लगभग हमने गिनी तो 50-60 गाड़ियां तो हमने गिनी और उसके बाद भी अभी आधी ही गिनती हमारी हो पाई थी, तो 100 से ज़्यादा गाड़ियों का यहाँ अंदाज़ा लगाया जा रहा है। उनमें से 80 का डिप्लॉयमेंट आज होना है, 80 का डिप्लॉयमेंट दिल्ली सरकार एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय यहाँ कर रहे हैं। और इनका डिप्लॉयमेंट इसलिए होना है कि जो स्मॉग है, जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, ये दो बड़े खतरनाक माइन्यूट छोटे छोटे कण होते हैं, धूल में मिले हुए होते हैं, इनको उड़ने से रोका जाए, इनको हवा में फैलने से रोका जाए, उसके लिए एंटी स्मॉग गन्स का ये इस्तेमाल दिल्ली सरकार की पहल है। दिवाली से पहले जब इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, तब ये एक सल्यूशन, ये एक उपाय दिल्ली सरकार ने सुझाया था। और आज से ये एंटी स्मॉग गन्स बहुत एक्टिवली दिल्ली में काम करेंगी। अब देखना ये होगा कि जो PM 2.5 और 10 है उसकी मात्रा, जो हॉटस्पॉट जैसे कि आनंद विहार, मुंडका, इस तरह के हॉटस्पॉट्स पर इसका ज़मीन पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि आज जब हमने आनंद विहार से रिपोर्ट कर रहे थे तो वहाँ की एयर क्वालिटी सीवियर कंडीशन में थी। दिवाली के एक दिन बाद का ये दिन है, फ्राइडे का दिन है, देखना होगा सैटरडे संडे किस तरह से रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश ठाकुर के साथ मैं संभव शर्मा, दिल्ली सचिवालय, इंडिया न्यूज। और सीधे ले चलते हैं आपको बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर